ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है, माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है, बहुत बढ़ेगा, बहुत आगे तक बढ़ेगा और बहुत खुशी का माहौल है। ये बहुत अच्छा लग रहा है हम सब लोगों को और निश्चित रूप से एक विजय के लिए अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। ये काफिला, ये नारे, ये लोगों का हुजूम एसपी सिंह पटेल के लिए है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद एसपी सिंह पटेल का प्रतापगढ़ में जोरदार प्रथम आगमन हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला था, लोगों का हुजूम था और जगह जगह पर स्वागत करने की तैयारी। लोगों का कहना है कि टिकट मिलने के बाद एसपी सिंह पटेल एक्टिव मूड में हो गए हैं। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यह सीट सपा के झोली में जाती दिख रही है, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लोगों को एसपी सिंह पटेल से बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। जैसा कि आज आपने देखा, स्वागत समारोह था, डॉक्टर एसपी सिंह जी आज प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनको लेकर आपने मैंने पूरी कवरेज दिखाई। अंत में अब बात करते हैं कि जिस जगहों पर गए कैसा स्वागत रहा। मैम कैसा स्वागत रहा? बहुत अच्छा स्वागत था। जगह जगह पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे और पांचों विधानसभा में जहाँ जहाँ 25 पॉइंट थे, जगह जगह पर लोग स्वागत के लिए उत्सुक थी, बहुत भीड़ थी, जाम लग रहे थे, लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी से बहुत अच्छा सिस्टम था। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से शांतिपूर्वक जो सब मना रहे थे। जी तो सर से मैं बात करता हूँ। सर, जैसा कि इस बार आप प्रत्याशी बन ही गए हैं और जनता का प्यार आप तक है और फील्ड में भी आप लगातार बने रहे हैं, तो क्या संदेश होगा आप जनता को? जनता को मुझे यही कहना है कि आप लोग एकजुट होकर के, जो ये हर मोर्चे पे विफल सरकार है, सिर्फ धर्म की बात करती है, आपस में नफरत फैलाने काम करती है, उनसे सावधान हो और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं। प्रतापगढ़ से मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हुआ हूं, तो मुझे वोट दें और हम जनता से वादा करते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हुए प्रतापगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाएंगे और हर तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे चुनाव में बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लुभावने दिए जाते हैं, डर दिखाया जाता है, तो इनसे जनता कैसे बचे, वोटर अच्छे वोटर कैसे बचे, उसके लिए कोई जनता को डरने की जरूरत नहीं, जनता कोई डरा धमका नहीं सकता है जनता को, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, वो किंग मेकर होती है। तो वो लोग पूरे स्वतंत्र हो करके जम के पोलिंग करें और वोट डालें और अपने मनचाहे प्रत्याशी को। कोई वादे आपके जो जनता से करना चाहे? वादा मैं यही करना चाहूँगा कि युवाओं की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं और विकास की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, इन सब से निजात पाने के लिए मैं दिन रात एक करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, हम डॉक्टर एसपी साहब के साथ बैठ के बात कर रहे थे और सर से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी बात रखे, वादे भी किए और उन वादों को पूरा करने का पूरा जोर लगा देंगे। इस बार के जो प्रत्याशी हैं, डॉक्टर साहब लगातार फील्ड में जमे हुए हैं और आगे भी क्या करते रहेंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।